हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बिकम ब्लॉगर में। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हिंदी ब्लॉगिंग को लेकर। आज पूरी इंटरनेट कम्युनिटी में हिंदी के जो भी यूज़र्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हिंदी में जो कंटेंट है वो भी आज बहुत ही लो क्वालिटी में है या फिर लो अमाउंट में है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं और फिर आगे बात करते हैं कि आपको किस तरह से हिंदी ब्लॉगिंग को स्टार्ट करना चाहिए और आप किस तरह से उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लॉगिंग का जो कम्युनिटी है पिछले 4-5 सालों में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है। आप कोई भी टॉपिक जो सोचते हैं जिस पर आप लिखना चाहते हैं, तो बहुत से ऐसे चांसेस है कि आप इंटरनेट से ही जानकारी इकट्ठा करके इंटरनेट में ही डालेंगे, तो इसका कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि आप खुद से कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हैं फिर आप उस ढंग से सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में ज़रूरी है आप अपना कुछ अपने इनपुट दें, अपनी कुछ आइडियाज़ को शेयर करें, लेकिन आइडियाज़ शेयर करने के दौरान बहुत से लोगों की जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है इंग्लिश की। आप हम बहुत से जो भी इंडियंस हैं उन्हें इंग्लिश इतनी अच्छी फ्लुएंटली नहीं आती है कि वो बड़े ही आराम से कोई आर्टिकल 400-500 वर्ड का आर्टिकल लिख दे और लोगों को अट्रैक्ट कर ले। हमारे जो भी नए ब्लॉगर्स हैं, नए बिगनर्स दोस्त हैं, उन्हें इंग्लिश समझ तो आ जाती है, लेकिन जब बात लिखने की आती है तो फिर वहाँ पे फंस जाते हैं। ऐसे में आपके लिए जो हिंदी ब्लॉगिंग का रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है और बेहतर भी है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको फंसने की चांसेस ज़्यादा है। आप ब्लॉग शुरू कर लेंगे लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आप बहुत दिन तक उसके साथ घिसते रहेंगे लेकिन आप देखेंगे कि आपको अच्छी रिजल्ट नहीं मिल रही है। तो ऐसे में आप एक हिंदी ब्लॉग को स्टार्ट कीजिए, हिंदी ब्लॉग पर कंटेंट डालिए, कुछ टॉपिक्स जो है आप इंटरनेट से आइडिया लीजिए, अपने समझ से डालिए हिंदी में, क्योंकि बहुत से लोग जो भी हिंदी बेल्ट के हैं उन्हें हिंदी लिखने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी और हिंदी में वो बड़े आसानी से कंटेंट डाल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप हिंदी में अगर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो आप कम समय में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं, लेकिन हिंदी ब्लॉग के साथ कई सारी मतलब मेन प्रॉब्लम्स है जो आज भी हिंदी ब्लॉगर्स फेस कर रहे हैं, बड़े बड़े हिंदी ब्लॉगर फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स। जो पहला फेस कर रहा है प्रॉब्लम वो है रेवेन्यू का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी ब्लॉगर के लिए, क्योंकि बहुत से लोग जो ब्लॉगिंग कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं, ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में आते हैं, उनका जो पहला तो मोटिव यही रहता है कि उन्हें अच्छे पैसे कमाने हैं। अगर अच्छे पैसे कमाने हैं तो हिंदी ब्लॉगिंग के जरिए नहीं हो पाता है जी, हिंदी ब्लॉगिंग के जरिए वो अच्छी खासी रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाते हैं। फिर उनका जो भी इस तरह का प्लानिंग रहता है कि मुझे ब्लॉगिंग से इस तरह की रेवेन्यू जनरेट करनी है, जो पैसिव इनकम ब्लॉगिंग में देख के वो आते हैं ब्लॉगिंग करने, वो फेल हो जाता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? तो जो रेवेन्यू की बात है तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कि जो एडवर्टाइजमेंट कम्युनिटी है, एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स है, वहाँ पे हिंदी के एड्स कम आते हैं, हिंदी वेबसाइट्स पे एड्स के लिए कम पैसे दिए जाते हैं, और पूरी जो एडवर्टाइजमेंट इकोसिस्टम है वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि इंडिया के लोग बड़े सस्ते एड्स दिखा सकते हैं, मतलब कि इंडियन लोगों को आप सस्ते में ऐड दिखा सकते हैं। आपको पता ही होगा कि एडसेंस में CPC होती है, जहाँ पे आपको पता चलता है कि आपके एड्स क्लिक पे कितने पैसे मिल रहे हैं। अगर आप कोई इंग्लिश ब्लॉग पहले से चलाते हैं या फिर लोगों से आपको यह जानकारी मिली ही होगी कि जो भी Tier 1 कंट्रीज़ है, ऑस्ट्रेलिया, UK, US, इन सभी जगहों से आपको जो है अच्छा CPC मिलता है, वहाँ पे एक एड्स क्लिक के $1 तक मिल जाते हैं, लेकिन इंडिया में 0.01 मिलता है, 0.05, 0.07 इस तरह से मिलता है। तो ऐसे में हिंदी ब्लॉग पे आपको CPC तो कम मिलेगा, लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि वह है आप क्वालिटी कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत से लोगों का ऐसा मानना था कि, या फिर मानना है भी कि हिंदी ब्लॉगिंग बेकार है, हिंदी ब्लॉगिंग नहीं करना चाहिए, तो मेरा ऐसा मानना नहीं है। आप स्टार्टिंग में हिंदी ब्लॉगिंग कीजिए, आपको एक अच्छी तरह से SEO की समझ बनेगी, आपके आर्टिकल्स अच्छे से रैंक होंगे, क्योंकि हिंदी में कंटेंट की आज भी कमी है। आप टॉपिक्स चुनिए जो इंग्लिश ब्लॉग में अच्छे कर रहे हैं, आपको उसे हिंदी में लेके आना है, क्योंकि हिंदी में जो कंटेंट की कमी है उसको भरपाई करने के लिए हिंदी ब्लॉगर्स की ज़रूरत है। और इन फ्यूचर गूगल भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है, हिंदी को अच्छे से प्रमोट कर रहा है, तो आपको भी हिंदी में अपना कदम रखना चाहिए, हिंदी ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहिए। और जो भी लोग बहुत अच्छे से अंग्रेजी को समझ रहे हैं, अंग्रेजी को लिख रहे हैं, या फिर इस तरह से चीज़ें मैनिपुलेट करना जानते हैं, उनके लिए तो इंग्लिश ब्लॉगिंग बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर अच्छी रेवेन्यू भी मिलती है। तो अगर आप थक हार चुके हैं इंग्लिश ब्लॉगिंग से, तो आप हिंदी ब्लॉग स्टार्ट कीजिए, वहाँ पर आर्टिकल डालिए हिंदी में, और फिर अच्छे पैसे कमाइए। शुरुआत में आपको परेशानी होगी, लेकिन धीरे धीरे जब आपकी ट्रैफिक बढ़ेगी
सीपीसी कम मिलेगा, लेकिन जब हाई ट्रैफिक हाई वॉल्यूम पे आप ऑपरेट करने लगेंगे तो आपकी भी अच्छे रेवेन्यू जनरेट होने लगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और अच्छे क्वालिटी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आप मुझसे पर्सनल असिस्टेंट ले सकते हैं, जिसके लिए मैंने ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप मेल कीजिए और मुझसे जो भी आप लेना चाहते हैं लीजिए।